फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैं मैटर आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली 10 सितंबर 2021 को एक मीडिया चैनल न्यूज़ लॉन्ड्री के ऑफिसेज पे सर्च हुई, और जो न्यूज़ लॉन्ड्री के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अभिनंदन सीकरी, उनका लैपटॉप और उनका मोबाइल फ़ोन जो है डिपार्टमेंट ने सीज़ किया, और जो उसका डाटा है वो डाउनलोड किया। जो मीडिया चैनल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनकी ये अप्रिहेंशन थी कि जो भी पर्सनल डाटा है वो इनकम टैक्स की सर्च के दौरान सीज़ नहीं किया जाना चाहिए, और उनको ये डर था कि डिपार्टमेंट जो है वो उनके लैपटॉप और मोबाइल में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको लीक ना करें। और ये उनकी अप्रिहेंशन बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि डिपार्टमेंट जो इंफॉर्मेशन एसएससी की सर्चेस के दौरान कलेक्ट करता है वो इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट जाने का जो मेन लॉजिक था एसएससी का, वो ये था कि डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए जाएं कि डिपार्टमेंट किसी भी सूरत में एसएससी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक ना करे। डिपार्टमेंट के काउंसिल ने ये कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कलेक्ट की है वो एज पर लॉ यूज़ की जाएगी और उसको किसी भी सूरत में लीक नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि एसएससी ने ये एप्लीकेशन इसलिए लगाई है कि मीडिया चैनल होने की वजह से उनकी ये अप्रिहेंशन है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि डिपार्टमेंट जो है के तरफ से इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को ये अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया कि डिपार्टमेंट के पार्ट पे ये इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं की जाएगी। और ये कहा कि नेक्स्ट हियरिंग में डिपार्टमेंट को अपने काउंसिल के साथ जो है वो प्रेजेंट होना है। फ्रेंड्स, इस टाइप के जब जजमेंट्स आते हैं तो इससे एक बड़ा ही एक पॉजिटिव फ्रेम जाता है सोसाइटी के अंदर कि एसएससी अपने राइट के लिए डिपार्टमेंट से जब लड़ता है तो, और कोर्ट जो हैं जब एसएससी की बात सुनती हैं तो इससे एक बड़ा मोटिवेशनल एसएससी के लिए सामने आता है कि क्योंकि ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि जब भी एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एसएससी की बाहर आती है और उसका जो मिसयूज़ भी होता है। तो एसएससी की इस केस में अप्रिहेंशन बिल्कुल सही थी जो न्यूज़ लॉन्ड्री के चीफ एग्जीक्यूटिव अभिनंदन सीकरी साहब की जो एप्लीकेशन है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल जायज़ है, और कोर्ट ने उस पर बड़े अच्छे तरीके से सुनवाई करते हुए डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश दिए कि डिपार्टमेंट जो है वो अंडरटेकिंग दे। खाली कहने भर से बात नहीं बनेगा कि एसएससी की इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं पे भी किसी भी तरीके से पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं की जाएगी और उसको प्राइवेसी को जो है वो मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि किसी भी सर्च एंड सीजर की जो प्राथमिकता होती है वो यही होती है कि सर्च के दौरान डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी की भी प्राइवेसी को डाइल्यूट करता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट का मेन मकसद होता है वो अपनी टैक्स की चोरी को सामने लाना होता है, ना कि एसएससी की पर्सनल लाइफ के बारे में या कोई और पर्सनल बिलोंगिंग्स के बारे में या किसी और क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इसीलिए एसएससी का जो दिल्ली हाई कोर्ट जाना था अपने विषय को लेकर के वो बिल्कुल ठीक था, और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बहुत अच्छे तरीके से सुनवाई करते हुए डिपार्टमेंट को ये कहा कि आपको अपनी अंडरटेकिंग देनी है ताकि जिससे ये एसएससी अश्योर हो जाए कि एसएससी की इंफॉर्मेशन जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं की जाएगी। केस के फैक्ट्स, इस केस में 10 सितंबर 2021 को न्यूज़ लॉन्ड्री जो एक मीडिया चैनल है उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने सर्च कंडक्ट की थी, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभिनंदन सीकरी जी हैं उनकी जो लैपटॉप और पर्सनल फ़ोन था उसको भी डिपार्टमेंट ने सीज़ किया था। इसी वजह से जो है एसएससी जो है वो हाई कोर्ट के सामने था इस दिशा निर्देश को लेने के लिए और डिपार्टमेंट को एक इंस्ट्रक्शंस इशू कराने के लिए कि एसएससी की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी सूरत में लीक ना की जाए। फ्रेंड्स, जब
हम इस तरीके का केसेस को देखते हैं तो उससे जो है वो एक डिपार्टमेंट की भी एक जो बहुत एग्रेसिवनेस है और उस पे एक चोट लगती है। और ये एक ऐसे एग्जाम्पल सेट होते हैं कि जहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो है वो अपने हद में रह करके बिहेव करे ताकि एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पेक्ट बनी रहे और एक किसी भी तरीके से देश के अंदर टैक्स टेररिज्म का माहौल ना क्रिएट हो। तो इस तरीके के डिसीजंस जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेमवर्क में काम करने के लिए डिपार्टमेंट को निर्देश देते हैं और इससे एक बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होने की संभावना बनती है, क्योंकि इन केसेस से एक प्रेसिडेंट सेट होता है और आगे भी जो है वो डिपार्टमेंट सतर्क हो जाता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को कैजुअली यूज़ ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स।